गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड एंड एंजॉयिंग योर टाइम. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्कशीट. टुडे इज वेंसडे एंड द डेट इज 28 जुलाई 2021. दिस इज वर्कशीट नंबर 32. दिस इज योर इंग्लिश वर्कशीट. सो लेट्स स्टार्ट. इन द प्रीवियस वर्कशीट वी हैव लर्न्ड अबाउट नेमिंग वर्ड्स. लेट्स रिवाइज इट वन मोर टाइम. आपको याद होगा कि पिछली वर्कशीट में हमने नेमिंग वर्ड्स किए थे, यानी कि नाम वाले शब्द. तो चलिए उनको रिवाइज करते हैं. अ नेमिंग वर्ड ऑल्सो कॉल्ड नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. तो नेमिंग वर्ड किसे कहते हैं हम? किसी भी इंसान, जगह, जानवर या सामान के नाम को, इसे हम नाउन भी कहते हैं. नाउ क्वेश्चन ए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट नेमिंग वर्ड. आपको यहाँ पर करेक्ट नेमिंग वर्ड यूज करके ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं. फर्स्ट, द बॉय इज ईटिंग एंड डैश. तो पिक्चर को देखिए और बताइए बॉय क्या खा रहा है, एप्पल या बनाना? द बॉय इज ईटिंग एन एप्पल. द गर्ल इज सिटिंग ऑन अ डैश, चेयर या डेस्क. तो गर्ल जो है किस पर बैठी हुई है, चेयर पर या डेस्क पर? करेक्ट नेमिंग वर्ड चूज करना है और यहाँ पर लिखना है. थर्ड, दे आर रीडिंग अ डैश बुक और न्यूज़पेपर. ये लोग क्या पढ़ रहे हैं, बुक या न्यूज़पेपर. नेक्स्ट, द चिल्ड्रन आर कमिंग बैक फ्रॉम द डैश. बच्चे वापस आ रहे हैं फ्रॉम स्कूल और मार्केट. स्कूल से या मार्केट से? तो आप पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, आपको पता चल जाएगा ये स्कूल है या मार्केट. नेक्स्ट, द डैश इज टीचिंग इन द क्लास, टीचर और डॉक्टर. डैश जो है वो क्लास में पढ़ा रही हैं, टीचर या डॉक्टर? तो आपको दोनों में से एक बताना है. तो आपको पता ही है पढ़ाता कौन है, टीचर. तो आपको यहाँ पर टीचर लिखना है. द डैश इज ईटिंग अ बनाना. अब इसमें क्या है, मॉन्की और टाइगर. तो मॉन्की या टाइगर, इनमें से कौन है जो बनाना खा रहा है? पिक्चर देखकर आप बता सकते हैं इजीली. ओके, सो दिस इज योर वर्कशीट फॉर नेमिंग वर्ड. नाउ क्वेश्चन बी, सर्कल द नेमिंग वर्ड्स इन द टेबल गिवन बिलो. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट नेमिंग वर्ड्स. आपको नीचे दिए गए बॉक्स में से नेमिंग वर्ड को सर्कल करते हुए नीचे दिए गए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. आप इसमें से कोई भी वर्ड चूज कर सकते हैं. तो चलिए हम एक बार रीड कर लेते हैं. जंप मतलब कूदना, बर्ड्स मतलब पक्षी, स्लीप मतलब सोना, कैट मतलब बिल्ली, लाफ मतलब हंसना, फुटबॉल मतलब फुटबॉल, रन मतलब भागना, पेंसिल मतलब लिखने वाली पेंसिल, डांस मतलब नाचना और कार मतलब गाड़ी. तो आपको यहाँ पर अगर आपने ढंग से वर्ड्स पढ़े हैं और समझ में आए हैं तो ये तो आइडिया लग ही जाएगा कि इसमें से कौन से हैं नेमिंग वर्ड्स और कौन से नेमिंग वर्ड्स नहीं हैं, जो कोई नाम नहीं है किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का. जैसे कि जंप, क्या जंप कोई नाम है? क्या जंप किसी इंसान का, सामान का, जानवर का या जगह का नाम हो सकता है? जंप मतलब भागना नहीं, वो तो एक एक्टिविटी है, वो एक काम है. तो आपको इसमें से छांटना है कौन से वर्ड नेमिंग वर्ड्स हैं और उनको सर्कल करना है. और फिर जो सर्कल किए हुए वर्ड्स होंगे उनको आपको नीचे दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है. चलिए शुरू करते हैं. ए, आई हैव अ रेड डैश, इसमें ऑलरेडी फिल किया हुआ है, पेंसिल. बी, आई लाइक टू प्ले डैश, मुझे खेलना पसंद है. तो आपको ऊपर की लिस्ट में से जो भी नेमिंग वर्ड मिला इसके लिए वो आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं. जैसे कि आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है. सी, द डैश स्टॉप्स एट द रेड लाइट, डैश रेड लाइट पर रुकती है. तो बताइए ऊपर के ऑप्शन में से कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा, आप ये अपने आप करेंगे. डी, डैश फ्लाई इन द स्काई, डैश आसमान में उड़ते हैं. तो आसमान में उड़ने वाले कौन सी चीज़ है जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है, वो आपको यहाँ पर लिखना है. ई, द डैश लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क, डैश को दूध पीना पसंद है. वो भी आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा लिस्ट में से. तो ये हैं आपके नेमिंग वर्ड जो आपने छांटे हैं, उसके बाद उनको सही तरीके से इस्तेमाल किया है.
Now let's have talk time. Dear children, look at the picture given on the right hand side carefully. What do you think the girl in the picture are talking about? Imagine and create their dialogues. Say them loud and write them in your notebook. वंस अगेन आपको दिया हुआ है टॉक टाइम, जिसमें राइट साइड पे जो पिक्चर दी गई है उसको आपको ध्यान से देखना है और उसमें इमेजिन करना है कि इनके बीच में क्या बातचीत हो रही है और वो डायलॉग आपको लिखने हैं, उसके बाद वो आपको अपनी टीचर को भेजने हैं। तो आई वुड सजेस्ट जब आप डायलॉग लिखेंगे तो पिक्चर में दिए हुए दोनों लोगों का कुछ नाम रखिए और उसके बाद सेंटेंस स्टार्ट कीजिए। आप नाम लिखिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गीता, सुनीता और एनीथिंग यू लाइक। उसके बाद इनके आगे इनके डायलॉग लिखिए कि गीता ने क्या बोला, सुनीता ने क्या बोला। ये एक्टिविटी आप हिंदी वाली वर्कशीट में भी कर चुके हैं तो आप उसको वहाँ से हेल्प लेकर इंग्लिश में सेंटेंसेस लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ ट्राई टू राइट इन इंग्लिश बिकॉज दिस इज़ योर इंग्लिश वर्कशीट। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को कोई एक अक्षर दीजिए और उस अक्षर का उपयोग करके शब्द बनाने के लिए कहिए। दिस इज़ योर इंग्लिश वर्कशीट। हम मिलेंगे कल। टिल देन, बाय बाय।